49 ग्राम। तबे 49 ग्राम जे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तबे सपोज मु 4.9 ग्राम टा बाहर करिया को चाहुचे तले कोन करबी ना 4.9 ग्राम इज इक्वल टू केते ना 1/49 × 4.9। ठीक अच्छे तो ये जमी कहली 49 ग्राम टा 1 ग्राम इक्विवेलेंट बा इक्विवेलेंट मास का सब्सटेंस टा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक सेमती जब मु इक्विवेलेंट मास टा को ई ग्राम बोली कहे तेज ई ग्राम टा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सो 1 ग्राम टा के 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/ई ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक अच्छे आम सॉल्यूट के डब्ल्यू ग्राम तेज डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूट इज इक्वल टू के ना डब्ल्यू ग्राम इज इक्वल टू W/ई ग्राम इक्विवेलेंट हला। ठीक अच्छे तेबे डब्ल्यू ग्राम रो सॉल्यूट जे W/ई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एवं सेतिक केते एमएल सॉल्यूशन अछि ना VML सॉल्यूशन अछि। सो इन VML इन VML ऑफ सॉल्यूशन W/ई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट हला। VML सॉल्यूशन रे W/ई ग्राम इक्विवेलेंट। सो 1 ml सॉल्यूशन रे केते रहइबो ना 1 ml सॉल्यूशन कंटेन्स W/ई × 1/V। ठीक अच्छे आम नॉर्मलिटी कौन कहते हैं ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन के कहते हैं ना 1000 ml बाहर कर देंगे 1000 ml कहते हैं ना W/ई × 1000/V हला। सो नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू W/ई यूनिट इज एटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सो ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा एटा मध्ये जेहेतु वॉल्यूम टर्म टा अछि ये मध्ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म एवं या पूर्व तुम बाहर कर जो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू W/ई × 1000। नॉर्मलिटी एन के तहला ना W/ई × 1000/V। तबे ए जो टर्म टा इटा कौन स्ट्रेंथ। सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट मास। सेकेंड रहला जे आमे गोटे सल्यूशन को 1 ml सल्यूशन बोली केते बेले कहवा ना नॉर्मलिटी इज 1 तमाने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सल्यूट इज प्रेजेंट इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सल्यूशन पर लीटर ऑफ सल्यूशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक सेमती गोटे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन काबू ना 0.1 ml। तब 0.1 ml बा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन काबू कहले ना व्हेन 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हला। ठीक है जी तो नेक्स्ट आज जो कंसंट्रेशन टर्म गुड़िक रहा डिस्कशन कर।